हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज हम लोग बहुत ही छोटा क्लास रखेंगे एंड आज जो है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है ISLM मॉडल। अभी हम लोग ISLM मॉडल को पूरी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट इसका जो बहुत ही ज़्यादा फीचर जो हमें जानना चाहिए एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के तौर पे, वो हम लोग देखेंगे और क्या इसका इम्पोर्टेंस है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है, चाहे आप IS कर्व को ड्रॉ करो या फिर आप LM कर्व को ड्रॉ करो, ये बताता क्या है, ये एक रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, बिटवीन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। अब बात आता है कैसा रिलेशनशिप बताता है, तो ये डिपेंड करता है आप किस कर्व के बारे में बात कर रहे हो। आप अगर IS कर्व का बात कर रहे हो तो ये इनवर्स रिलेशन बताता है, अगर आप LM कर्व के बारे में बात कर रहे हो तो ये डायरेक्ट रिलेशन बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि IS कर्व जो हमारा है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड हमारा LM कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, IS बोलने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग, ध्यान समझिएगा। तो IS जो कर्व है ना, ये गुड मार्केट के इक्विलिब्रियम को बताता है। LM कर्व जो है हमारा मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को बताता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ISLM कर्व दिया किनके द्वारा दिया गया था, तो ये हिक्स एंड हेंशन के द्वारा दिया गया था, बताया गया था। दूसरा क्वेश्चन आता है IS कर्व LM कर्व बताता क्या है, तो ये एक इक्विलिब्रियम को स्थापित करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बताता है किसके किसके बीच में, बिटवीन द गुड मार्केट एंड मनी मार्केट। अब बात आता है कि कैसे बताता है, तो थोड़ा सा आप बैकग्राउंड समझिए। जब किन्स के द्वारा क्या बताया गया था, किन्स के द्वारा बताया गया था कि सपोज कीजिए इकोनॉमी में रिसेशन का टाइम है, उस पीरियड में गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज लाया या फिर कुछ भी हुआ, सपोज कीजिए मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया गया। जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, इकोनॉमी में ज़्यादा मनी का सप्लाई हो गया है, लोगों के पास ज़्यादा इनकम आएगा, तो अब क्या होगा, वो खर्च ज़्यादा करेंगे, तो एग्रीगेट सप्लाई जो होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना, क्योंकि लोग अब ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस केस में फिर किन्स ने क्या बोला था कि जैसे ही यहाँ पे फिर लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, फिर जो इन्वेस्टर होंगे वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए मशीन को लगाएंगे जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर क्या होगा, फिर मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो कम था वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने के कारण, नया प्रोडक्शन होने के कारण मैनेज होगा और दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट फेनोमेनन था ना, ये हिक्स के ये किन्स के लैंग्वेज में था और ये कहीं ना कहीं गुड मार्केट के इक्विलिब्रियम में उनको बता रहा था कि पहले मार्केट में क्या हुआ, सप्लाई जो था उसका कमी था, फिर क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने देखा कि डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, उसने प्रोडक्शन बढ़ाया जिसके कारण क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा होने के कारण सप्लाई और डिमांड अगेन फिर से मार्केट में बराबर हो गया। बट अब इसका बात आता है कि यहाँ पे मनी मार्केट का रोल कहाँ पे आया, तो यहाँ पे हिक्स ने मनी मार्केट को इंक्लूड किया। उन्होंने बोला चलिए ये माना जाता है कि एक इकोनॉमी है वहाँ पे रिसेशन का पीरियड है, ऐसा मानते हैं हम लोग कि मनी सप्लाई को इंक्रीज किया गया है जिसके कारण से क्या हुआ, एग्रीगेट सप्लाई कम हो गया एग्रीगेट डिमांड से। अब उसके बाद डायरेक्ट ये फिनोमिनन नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, ये डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक और चीज आता है। अब इन्वेस्टमेंट जो होगा, बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करेगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो करने के लिए प्रोड्यूसर क्या होगा, बैंक से लोन लेगा। सबसे पहले तो इन्वेस्टर देखेगा कि
क्या ये सच में ज्यादा डिमांड हो रहा है मार्केट में, क्या मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं, क्या ये रियल एक रियल अप्रोच है, क्या सही में मार्केट में ज्यादा डिमांड है और मेरे को करना चाहिए। पहले वेट करेगा, फिर देखेगा हाँ सच में मार्केट में ज्यादा डिमांड हो रहा है, तो वो आप सोचेगा चलो इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन जैसे ही वो सोचेगा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, वो मार्केट में जाएगा, वो बैंक में जाएगा, वहां से लोन लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरोइंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो क्या होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर बैंक में चले जाएंगे, तो जैसे जाएंगे सारे क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं मेरे को लोन दो, आपको जितना इंटरेस्ट चाहिए हम देंगे। तो बोरोइंग इंटरेस्ट बढ़ने के कारण क्या हो गया, अब लोन थोड़ा सा महंगा हो गया। लोन महंगा होने के कारण क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल पहले किया जा रहा था किसने जो एज्यूम किया था, अब वो भी तो कॉस्टली होगा, कॉस्टली होगा, फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा महंगा होने के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण क्या होगा, जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ने के कारण क्या होगा कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा। अब जैसे ही इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी में, फिर वहां पे जो सेंट्रल अथॉरिटी जो बैंक होगा बेसिकली वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बैंक का सबसे बेसिक काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, सबसे पहला और आखिरी काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब देखेगा कि हाथ से बाहर जा रहा है सिचुएशन, क्योंकि बहुत लोग मनी को बोरो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसके कारण से क्या हो रहा है, थोड़ा सा महंगा हो जा रहा है। अब एज एन रिजल्ट बैंक अथॉरिटी क्या करेंगे, मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे इकोनॉमी में, बोलेंगे चलो अब मनी ज्यादा हम लोग मनी सप्लाई कर देते हैं इकोनॉमी में। जैसे ही मनी सप्लाई ज्यादा होगा, लोन लेने का काम ही नहीं पड़ेगा उतना ज्यादा, तो इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो ये जो मनी सप्लाई है ना, वो बढ़ने के कारण क्या हुआ, एक इक्विलिब्रियम फिर से स्थापित हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपस में कोरिलेटेड है, किन्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि मनी मार्केट और गुड मार्केट में कोई भी रिलेशन है, बट हिक्स ने एक्सप्लेन किया कि मनी मार्केट और गुड मार्केट में रिलेशन है, और कैसे रिलेशन है अभी हमने देखा, क्लियर है ना। तो अब ISLM कर्व जो होता है उसमें IS कर्व बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और IS कर्व हम लोगों को गुड मार्केट का इक्विलिब्रियम पोजीशन बताता है। और ये एक टर्म आप देखोगे कि IS कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ गुड मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली IS कर्व अलग अलग इक्विलिब्रियम पोजीशन E1 E2 E3 E4 ये जितने भी इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली गुड मार्केट का इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व बराबर है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, उन सारे इक्विलिब्रियम पोजीशन को उठाया, उसको एक लाइन में ड्रॉ कर दिया, और उस लाइन को हमने क्या बोला, हमने बोला IS कर्व, ठीक है ना। इसी तरह से मनी मार्केट के लिए हमने क्या किया, LM कर्व को ड्रॉ किया। अब LM कर्व भी क्या है, अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट है इन द मनी मार्केट, जहां पे डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। अब मेरा जो मेन मकसद है आपको ये समझाना है कि आप इस बात को समझो, इस पॉइंट पे एक इक्विलिब्रियम स्थापित है जहां पे इन्फ्लेशन उतना ज्यादा नहीं है, यहां पे क्या है, प्राइस भी कहीं ना कहीं नॉर्मल होगा। क्यों क्योंकि हमारा गुड मार्केट और मनी मार्केट के बीच में तालमेल बैठा हुआ है, और दोनों आपस में इक्विलिब्रियम है। लेकिन अब आप थोड़ा सा सिचुएशन को कंसीडर करो कि अगर IS कर्व हमारा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए लेफ्ट की ओर या फिर राइट की ओर, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे क्या था भाई साहब, जितना गुड्स इकोनॉमी में था उसको कंज्यूम करने के लिए मनी भी कहीं ना कहीं उतना था, बट अगर हम IS कर्व को अगर शिफ्ट करें आगे या पीछे करें, अब जैसे IS शिफ्ट हो के IS1 हो गया, अब क्या होगा आप खुद सोचो, यहाँ पे क्या इनकम मेरे पास बढ़ेगा या घटेगा। अगर आगे शिफ्ट होगा तो इनकम बढ़ेगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे IS तो हमारा गुड मार्केट का बताता है, तो इसका मतलब ये
हुआ ना कि गुड्स अभी कम है, ठीक है ना, गुड्स अभी कम है और लोगों के पास जो पैसा है वो अधिक है, क्लियर है ना। जब आईएस वन क्या हुआ, हमारा आईएस कब पीछे की ओर शिफ्ट हुआ। इसी तरीके से आप ये सोचो कि अगर आईएस कब हमारा राइट की ओर शिफ्ट करे तो क्या होगा, इसको आईएस टू हम लोग बोलते हैं। अब हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो गया, ऊपर में हो गया E3, आप इसको मान लो N इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। क्या कहानी है, आप गुड मार्केट देखो, ज्यादा प्रोडक्शन हो जा रहा है गुड का और मनी जो है वो कम है बेसिकली, क्लियर है ना। तो आपको ऐसे समझना है कि गुड मार्केट कहाँ पे एक्सेस डिमांड होगा, तो इस केस में क्या है, सप्लाई जितना होना चाहिए नहीं है, एक्सेस डिमांड यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इसी तरह से हम लोग सोच सकते हैं मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट सपोज कीजिए ये हमारा आईएस है, ये हमारा एलएम है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। एलएम क्या हुआ, ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। अब जैसे एलएम ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, अब ध्यान से देखिए, ये हमारा इनिशियल इनकम था, ये हमारा इंटरेस्ट रेट था। अब जैसे ही एलएम ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, हमारा इनकम घट गया है, ठीक है ना, और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, चीजों को समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में जो मनी था वो कम हो गया है और गुड्स क्या है, ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, अफेक्टेड होगा, ये आपस में इंटीग्रेटेड है दोनों एक दूसरे से। जस्ट अपोजिट आप सोचो, अगर हमारा एलएम इधर डाउन की ओर शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, अब हमारा इनकम बढ़ गया है और अब हमें इंटरेस्ट रेट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट, अब इनकम बढ़ा है तो इंटरेस्ट रेट जो होगा बेसिकली सस्ता हो जाएगा। तो जब ये शिफ्ट होगा तो आपको एक चीज याद रखना है कि कौन कैसे क्या इफेक्ट कर रहा है। तो आपको ऐसे बोलना है कि गुड्स के साथ अभी क्या हो रहा है और मनी के साथ अभी क्या हो रहा है, दोनों पहले इतना था, अब क्या हुआ, अब कौन घटा, अब कौन बढ़ा, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो मेन ये चीज है। इसके बाद अभी जो बताना था मेन, आप ये याद रखो कि एलएम कर्व का अलग अलग शेप होता है और अलग अलग यूजेज होता है। अब जैसे ये एक फर्स्ट रेंज है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं किन्सियन रेंज। बेसिकली किन्स का क्या मानना था कि मनी सप्लाई जो होता है ना कांस्टेंट होता है, तो कहीं ना कहीं एलएम कर्व जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, कांस्टेंट होता है, इकोनॉमी में इतना ही है। तो अगर हमें इनकम या फिर कुछ भी बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, आईएस कर्व को शिफ्ट करेंगे। और ये आईएस कर्व को शिफ्ट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ इनकम बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा मानना था किन्स का कि मनी कॉन्स्टेंट होता है, क्लियर है ना। तो देखिए किन्सियन, जब हॉरिजॉन्टल मनी सप्लाई कर्व रहे तो यहाँ पे क्या होता है, आईएस चेंज करता है। मान के चलते हैं अगर हमें इनकम बढ़ाना है, पहले था वाई लेवल का इनकम और अब हम चाहते हैं इनकम बढ़े, तो हमें क्या करना होगा, आईएस कब को शिफ्ट करना होगा। कैसे आईएस कब शिफ्ट करेगा, तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स कम करना पड़ेगा, ट्रांसफर रिसिप्ट बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी अपनाएंगे। क्यों, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी आपका आईएस कर्व को चेंज करता है। तो आप जैसे याद रखना चाहो आप ऐसे याद रख सकते हो, या तो आप बोलो कि फिस्कल पॉलिसी मतलब या तो जिसके कारण क्या होगा, आईएस कब शिफ्ट करेगा, या फिर आप ऐसे बोलो फिस्कल पॉलिसी आईएस को इफेक्ट करेगा, या आईएस में चेंज होने के कारण फिस्कल पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। अब एक पॉइंट जो आपको याद रखना है ना कि इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसा चेंज नहीं होता है। सारा का सारा इंपैक्ट क्या होता है ना, इनकम के रूप में हमारा बढ़ जाता है। बट अब एक केस आप यहाँ पे देखो कि अगर हम मनी सप्लाई को चेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, कहानी
कि यहाँ पे जितना इनकम बढ़ना चाहिए ना, आईएस कब अगर हम सिर्फ कर रहे हैं, जैसे ये पहले मेरा आईएस वन था, अब आईएस टू है, ये हमारा क्या था पहले इनकम था और ये हमारा इंटरेस्ट था, अब क्या हो गया, ये हमारा इनकम हो गया और ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा कि ये क्यों हो रहा है। ध्यान से इस चीज को देखो कि पहला केस में क्या हो रहा है, किंसियन केस में आईएस कर्व को शिफ्ट करने के कारण मेरा इनकम में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है ना, मतलब हिक्स भी सही थे, किंस भी सही थे। किंस ने क्या किया था, शॉर्ट रन के केस को इंक्लूड किया था, जहां पे क्या है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किंस ने, हिक्स ने तो ये बोला था कि बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्लियर है ना, बट यहाँ पे ये शॉर्ट रन का केस है। तो जैसे ही आईएस कब शिफ्ट हुआ, मतलब फिस्कल पॉलिसी अपनाया गया, तो सारा का सारा इंपैक्ट क्या पड़ा, इनकम को बढ़ाने में, ना कि इंटरेस्ट को, कोई इंटरेस्ट को बेचारा अकेले बैठा था, तो सारा को सारा देखा कि इनकम है उसी पे लग गया और उसी को बेचारे को बढ़ा दिया। बट जैसे ही दूसरे केस में आए, ये है इंटरमीडिएट केस, यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे बोरोइंग इंटरेस्ट बढ़ने लगा। बोरोइंग इंटरेस्ट बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए ना, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण इनकम बढ़ेगा, तो उतना इनकम मेरा नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पे देखिए इनकम ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट में भी चेंज आ रहा है। ये आप ध्यान दो, इस इंटरेस्ट रेट में चेंज आने के कारण क्या था ना, आईएस कर्व जो शिफ्ट हो रहा है उसके कारण इनकम उतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या है, ध्यान से समझिए, पहला केस में जैसे ही फिस्कल पॉलिसी अपनाया गया तो वो देखिए, अरे 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 इनकम वहां है, वहां है, इंटरेस्ट यहाँ पे छिपा हुआ था, किसी का नजर यहाँ नहीं गया, सब वहां पे इनकम को गया, एकदम तीर पर उड़ गया, इनकम बेचारा मजबूरी में बढ़ गया। अब दूसरा केस क्या था ना, जैसे ही जाने वाले थे दिख गया कि यहाँ पे तो छिपा हुआ इंटरेस्ट भी है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट पे भी पड़ा और थोड़ा सा अब यहाँ पे मारे होंगे इंटरेस्ट को, थक गए होंगे, वहां पे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किए, तो इनकम उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना पहले केस में हुआ। अब ये तीसरा केस का डायग्राम है, आप यहां पे देखो इनकम में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना मेरा भयानक चेंज हो जा रहा है, इनकम सिर्फ नाम मात्र का चेंज हो जा रहा है। मतलब क्या है कि अगर हम तीसरे वाले केस में जब एलएम कर्व हमारा वर्टिकल है वहां पे आईएस कर्व को शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां पे मेरा इनकम को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। और आईएस कर्व किससे रिलेटेड होता है, फिस्कल पॉलिसी से। मेन क्या काम था फिस्कल पॉलिसी का, इनकम बढ़ाना। अब यहाँ तो उल्टा हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, फिस्कल पॉलिसी तो वही लोन छुपा रह गया, कुछ नहीं बढ़ा। तो तीसरा केस क्या है, लॉन्ग रन केस। लॉन्ग रन का केस में अगर हम चेंजेस लाना चाहते हैं तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना पड़ेगा, ना कि फिस्कल पॉलिसी। तो आप शॉर्टकट में इन बातों को याद रखिए कि अगर एलएम हॉरिजॉन्टल है तो ये किंसियन का केस है, शॉर्ट रन का केस है, यहाँ पे आईएस को चेंज करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा इनकम बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा केस में क्या है कि ये केस को आपको नहीं याद रखना, बेसिकली आप तीसरा केस याद रखोगे और पहला केस, जहाँ पे क्या है कि अगर आप आईएस में चेंज ला रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का यही ब्यूटी है, क्लासिकल ने बोला था कि लॉन्ग रन में सब सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा भाई, तो बोला था मॉनेटरी, आप मनी सप्लाई बढ़ा दीजिए, किंस ने क्रिटिसाइज किया, और बाद में पता चला किंस भाई साहब भी सही है और हमारे क्लासिकल भाई साहब भी सही है। क्यों, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग रन का केस लिया है। लॉन्ग रन में अगर हम फिस्कल पॉलिसी अपना रहे हैं, आईएस कर्व को चेंज कर रहे हैं, तो इनकम में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्यों नहीं इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपको एक नाम रखना है, क्राउडिंग इफेक्ट। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण जितने भी प्राइवेट मतलब इन्वेस्टर थे वो पीछे हटे, बोले नहीं भाई साहब मेरा इतना लेवल नहीं है, हम इतना बोरो करके इतने इंटरेस्ट को नहीं पे कर सकते, क्लियर है ना।
तो मेन आपको ये तीन बातें याद रखनी है, पिंसियन, इंटरमीडिएट, क्लासिकल। शॉर्ट रन की बात की जाए, एलएम कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, फिस्कल पॉलिसी अफेक्टेड होता है, मतलब आईएस कर्व को चेंज करेंगे तो पूरा का पूरा इनकम पे प्रभाव डाल देगा, इंटरेस्ट से कोई लेना देना उसको नहीं है तो हमारा काम बन जाएगा। तीसरा केस में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा जहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ाना होगा या घटाना होगा, बट आईएस से रिलेटेड हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है इंटरेस्ट को बदल देता है तो, बट इनकम पे कोई चेंज नहीं लाता, पॉजिटिव चेंज नहीं लाता। क्लियर है ना? तो ये था आज का क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।